अरे भैया ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्यों? अरे बाप रे, ये कौन है? अरे कौन है ये? मर गया ये मारेगा, ये मरवाएगा भाई आज मेरे को, ये आज मेरे को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। पिस्टल है अपने पास, मर जा मर जा। अरे मर भाई मर। ये क्या कर रहा है, गोले छोड़ रहा है, आग के गोले। रुक मैं तेरे को दिखाता हूँ मजदूर का हाथ, ये ले। हेलो गाइज, मैं एक बार फिर से आ गया इस टूटे फूटे से पुराने पिरामिड के अंदर। और पिछली बार तो मैं आया था इधर खजाने की खोज में, लेकिन मुझे मिले ये अधमरे मजदूर जो मुझे मारने की कोशिश करते हैं। सोच रहे होगे वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं भाई, वो मेरी मदद भी कर सकते थे, लेकिन वो क्या है ना, मैं दो तीन दिनों से भूखा था तो मैंने उनका खाना चुरा के खा लिया, इसलिए वो सबके सब मुझसे नाराज़ है, इसलिए वो सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जल्द ही जल्द यहाँ से खजाना लूट के बाहर भागना चाहता हूँ भाई, प्राण जाए लेकिन खजाना ना जाए। अबे साले, तो मैं बाहर जाने का दरवाजा ढूंढ ही रहा होता हूँ, तभी मुझे कुछ बटन दिखता है, मैं सीधा दबा देता हूँ, बस कोई ट्रैप वैप ना चालू हो जाए वरना मेरा बैंड बच जाएगा। इधर एक दरवाजा खुला होता है, लेकिन भाई सामने मेरे को नोटिफिकेशन आया कि क्राउच करके चल। मैं झुक के गया तो मेरे को सामने एक मम्मी दिखी, तो मैंने उसको मारने की यहाँ से कोशिश की। हाँ, उसने देख लिया, मारो मारो, मर जा मर गया, चलो मर गया। इसको मारने के बाद मैं इधर मुड़ा और तभी अरे भैया क्या क्या कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तो इधर ये कुछ कॉइन्स वगैरह मेरे को मिल गए, और इनका एक और साथी था, नोटिफिकेशन की वजह से पता चल गया। ऐसा दिखाओगे तो जंप स्केयर मिलने ही नहीं वाले भाई, प्लेयर को ऐसे तो जंप स्केयर मिलेंगे नहीं, उसको पहले पता चल जाएगा कि सामने कोई ना कोई एनिमी खड़ा है। तो इधर से थोड़ी सी लूटपाट की, और कहाँ से जाऊँ इसका दरवाजा ढूंढ रहा था, क्योंकि गोलियाँ भी चाहिए भाई इन जैसों को मारने के लिए। तो यहाँ पर दरवाजे के नाम पे बस ये लीवर वाली जगह थी जो चमक रही थी, तो इसके लिए लीवर ढूंढना था। पीछे तो मेरे को कोई लीवर व्यूवर नहीं दिखा, सामने एक दरवाज़ा था तो मैं सीधा इस दरवाजे के अंदर घुस गया इस खोज में कि कई लीवर व्यूवर मिल जाए और इससे मैं जो है दरवाज़ा खोल लूँ। शायद ये दरवाज़ा खुलने वाला है इससे। और ये कौन सा कोई कागज़ का टुकड़ा, फिर से दीवार जिसको फोड़ दिया अपन ने, और सामने तीरंदाज, इसका सिर फोड़ा, और गलती से ये क्या बोलते हैं शॉपिंग वाला हिस्सा लग गया। भैया एनिमी के सामने काय को ये होता है यार, ये सेटिंग ऐसी है कि ये मैं जैसे ही स्कोप का इसमें बटन खोलने जाता हूँ ना, तब भाई गलती से पता नहीं क्यों ये खुल जाता है। इधर मेरे को डंडा मिला, इस डंडे का क्या फंडा है भाई, नहीं पढ़ना मेरे को डंडे का फंडा, मेरे को दो लीवर का डंडा, बाकी नहीं चाहिए मेरे को। ये क्या है, चलो मिल गया लीवर, अब इसको हम चढ़ाते हैं उधर, वरना चढ़ जाएगा अपने को फीवर। इधर आके ये लीवर भी लगा ही देता हूँ और इसको खींच भी देता हूँ। मैं गधा कहीं और ही जा रहा था, लेकिन बाद में मैंने हिंट का यूज किया, तब मेरे को पता चला कि दरवाज़ा यहाँ पर है और मैं कहीं और ही जा रहा हूँ, और वहाँ पर देख लो पहरेदार आ गए। इसको मैंने निपटाया, आ गए मेरे को मारने के लिए, और ये दूसरे भी आ गए चचा। ये ढाल लेके ऐसा आते हैं भाई, क्या करूँ। और ये तीरंदाज और दिमाग खाने आ गया, लेकिन इसके चक्कर में मेरी गोलियाँ और मेरी थोड़ी सी हेल्थ दोनों वेस्ट। मैंने सोचा अब यहाँ से बस बाहर निकलना है, हम बाहर निकलेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था भाई, इस दरवाजे को जैसे मैंने तोड़ा सामने कांटे आएला, इतने सारे कांटे चुभ जाएंगे भाई। तो भागो भागो रुको, मैं भागो रुको यही मेथड अपना के सीधा चलने लग गया। और ये क्या डिब्बा पड़ा है, इसमें क्या मिलेगा, जेम्स डबल। इनको बस बहाना दे दो एड्स दिखाने के लिए, तुमको इतनी एड्स कौन डालता है भाई, काटो बाय बाय। और ये देखो ये जेसिका, इसका नाम जेसिका है। मैं आगे जाता हूँ तो देखता हूँ भैया दो दो मम्मीज हैं, इनको यहाँ से ही मारना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जाते हो तो भाई तुम्हारे ऊपर ही झपटने के लिए आते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ से ही मारने की कोशिश की। एक के तो लग भी गई गोली और दूसरे के सीधा हेड, पहली दो गोलियाँ नहीं लगी लेकिन बाकी गोलियाँ लग गई। और ये बीच बीच में पता नहीं क्यों ये दिखाते रहते हैं भाई, मत दिखाया करो,
और यहाँ पर पूरा दरवाज़ा बंद था, तो इधर कुछ बटन वटन था तो मैंने दबा दिया, क्या पता कोई दरवाज़ा खुल जाए, और खुल भी जाता है। लेकिन भैया इतनी बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियाँ, भाई किसको काटने के लिए रखी है? सब्जी वब्जी काटते हो क्या? मेरे घर पे भी सब्जी काटने आ जाओ भैया, ये कुल्हाड़ी लेकर, एक कुल्हाड़ी लेके जानी चाहिए भाई सब्जी वगैरह काटने के लिए। मैं इधर आता हूँ, यहाँ से काट जाऊँ, लेकिन तभी भैया नीचे गिर जाता हूँ मैं। अच्छा हुआ बच गया, वरना इतने काटों में मैं मर जाता भाई। मेरे को लगा कोई बॉस वॉस आएगा क्या इस गेम का, लेकिन इधर मेरे को पता चलता है यार, इधर इस मूर्ति के अंदर दो दो लीवर लगाने हैं, इधर भी लीवर। इजिप्ट की मूर्ति, इजिप्ट की पिरामिड है ये, क्या है भाई पिरामिड के अंदर इतनी हाई टेक्नोलॉजी, इतनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी तो न्यूस्टेड में भी नहीं होगी जितने इधर है लीवर वगैरह का। तो मैंने इधर और इंतज़ार किया लेकिन कोई आया नहीं, और सामने थे भैया दो से तीन मम्मीज। तो इधर पहले एक इसने देख लिया, ये तीर चला, इससे पहले इसको मारना ज़रूरी है। ये तीर चलाता है मतलब इधर का स्केलेटन है, माइनक्राफ्ट में जैसे होते हुआ है वैसे ही। और सामने भी एक मम्मी थी, उसके ऊपर मारने की कोशिश की, पता नहीं क्यों गोलियां लगी नहीं रही थी भाई, गोलियां कब लगेंगी उसको। और वो तो घूम रहा था, वो जैसे ही मेरे को देखेगा मेरे पे झपट्टा मारेगा ये। तो मैं इसको धीरे धीरे जाके मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था भाई इधर ये राइट के अंदर, राइट में भी बंदा खड़ा है। तो मैं इधर कोने में आया और इसको मार दिया भाई, मेरे को मारने के लिए आ गया, इसको ख़त्म किया। गन रिलोड की, तो ये चच्चा भी आ गया। मजदूर भाई तेरे मजदूरी मैं दे दूंगा यार, तुम लोगों का खाना खा लिया, इसका इतना गुस्सा अच्छा नहीं है भाई। तो मैंने सोचा घूम के जाऊं, लेकिन नहीं इधर ही था। और ये देखो सामने खड़ा है, मारो मर 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 जा भाई, मरता क्यों नहीं है भाई, अरे मर जाना भाई, मर मर, हाँ मर गया। तो इधर अंधेरे भी बहुत सारे, ऐसे अंधेरों वाली गेम मैंने ज़्यादा खेली नहीं है। मेरे को फाइनली एक लीवर तो मिल जाता है, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कोई और लीवर मिल जाए, लेकिन मेरे को यहाँ पर तो कोई और लीवर मिलता ही नहीं है। मैं इधर आके इस लीवर को लगा ही देता हूँ, और इसको दबाया तो कुछ इतना हुआ नहीं। और दूसरा कोई दरवाज़ा खुल गया इसको दबाने की वजह से। तो मैं इस जगह आता हूँ कहीं पर, यहाँ पर शायद कहीं मिल जाए, लेकिन मैं ये वही आ जाता हूँ जहाँ पर मैं पहले आया था। शायद मैं यहाँ पर पहले आया था क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं आया था। मैंने सोचा इससे कुछ ये एमओ एमओ लूँगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही महंगे बेच रही है। अरे इस पूरे पिरामिड में तेरे गोलियाँ कौन खरीदता भाई, जो इतनी महंगी बेच रही है तू? गोलियां तो सिर्फ मैं बेचता हूँ, मैं ही खरीदता हूँ। और इधर इतनी सारी आवाज़ आ रही थी, मेरे को लगा कोई और इसको मरता हुआ देख के मुझे मारने आएगा, लेकिन कोई आता नहीं है। यहाँ वैसे एक और चच्चा खड़े थे, तो मैंने इनको मारने के लिए पीछे से चुपचाप गया और इनकी गर्दन पकड़ ली मैंने। और इससे शायद अपने को एनर्जी मिलती है ना, कुछ ब्लू ब्लू सा कुछ लाइट आया ना, ये भी कुछ स्किल ही है यार। मैं सोच रहा हूँ कि ना एंडलेस नाइटमेयर 4 खेलूँ, लेकिन इनकी स्टोरी लाइन्स इतनी अच्छी मेरे को लग नहीं रही है भाई, इनकी स्टोरी लाइन्स इतनी अच्छी मतलब लग नहीं रही है। गेम में तुमको एड्स वगैरह देखनी पड़ रही हैं। और इधर एक और मम्मी थी, मम्मी के सामने ये हरकतें हो जाती है। अच्छा हुआ गेम पॉज हो गया था, वरना मर जाता भाई मैं। और इधर आगे जाता हूँ तो मेरे को फाइनली इसका दूसरा लीवर भी मिल जाता है। तो ये भी लीवर दबाया और ये दूसरा लीवर भी लिया, चलो कम से कम मेरे को घूम के नहीं जाना पड़ेगा। इधर ही आ गया मैं, इससे पहले इसकी जगह इधर ही दरवाज़ा खोल लेते तो मेरा कितना टाइम बच जाता यार। लेकिन कोई नहीं, इस लीवर को हम आके इधर अपन लगा भी देते हैं। अरे इधर पहले से लगाया हुआ था इधर, और इसको दबाया पहली बार तो दबाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे को लगा इसको भी एक साथ दबाना है क्या, लेकिन दबा ही नहीं। मैंने इसको फिर से एक बार दबाया तो फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है। और भाई ये क्या है भाई, ये क्या कोई नर्क वर्क का दरवाज़ा खुल गया क्या? तो मेरे को भाई जाने से पहले बहुत डर लग रहा था, मैंने सोचा कुछ वेपन एमओ एमओ खरीद लूँ,
लेकिन मैं इसको पहले भी हरा चुका हूँ, वो भी मुक्कों के साथ। इजी वाला मोड था तो इसको हराना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। और ये आ गया अपना बॉस। चिल्लाना बंद कर, तेरे को मुक्के से मार चुका हूँ मैं। इन बड़े बड़े से बॉस इसका एक ही प्रॉब्लम होता है भाई, इनको न तुम दिखोगे न इनके पैरों के अंदर ही घुस जाओ। अगर दूर रहोगे ना तो इसके ये फायर बॉल से आकर तुमको डैमेज करेंगी। मैं सीधा इसके पैरों के नीचे ही घुस गया और इसको मारने लग गया, इसको मुक्के मारने लग गया। मुक्के खाएगा साले तू। ये देखो ऐसे इसने तलवार चला तू, जो भाला वगैरह चला नहीं चला, इसके ऊपर गोलियाँ चलाई तो साला गोलियाँ ही खत्म हो गई। ये देखो कुल्हाड़ी मार के बैठा है लेकिन इसको कुछ मर लग ही नहीं रहा है। और मैं कहाँ पे मार रहा हूँ भाई, अरे इसका सिर दुख जाएगा भाई। ये इसके सिर पे क्यों मार रहा हूँ मैं, सिर पे मार रहा हूँ भाई, बेचारे का सिर फूट जाएगा भाई। सिर है हाँ, इसका सिर इसके सिर पे नहीं इसके घुटने में है, इसलिए बोल रहा हूँ इसके सिर पे मार रहा हूँ मैं। और ये देखो सिर घुटने में है इसलिए कहीं पर भी। अबे कहाँ चला रहे हो चचा, तेरे पैरों के नीचे हो। अरे वे मरने वालों स्किल का यूज। अरे नहीं भाई ये क्या मजाक है, एंड टाइम पे एनर्जी का सिस्टम क्या भाई। तो मैं सीधा इसका यूज़ करता हूँ और हील भी कर लेता हूँ। अच्छा हुआ जो ये हील का था, इसने फिर से मेरे पे कुछ एयर बॉल डाल दी, इसका मेरे को डैमेज भी हो रहा था, लेकिन इसको भाई मार लेता हूँ मैं आखिरकार। इसको मारा लंबा लग गया भाई, मैं जीत गया भाई। लेकिन ये क्या मजाक है भाई, अबे ये कहाँ से आ गया। इस वजह से मुझे इस गेम की स्टोरी अच्छी नहीं लगी भाई। हम लोगों ने इतनी मेहनत की लेकिन मिला क्या हमको, इस बॉस से भी लड़े लेकिन मिला क्या, एक भाला वो भी सीधा पेट के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी क्या करो भाई, मैं नहीं जानता। सब्सक्राइब का बटन बस दबा दो भाई, तुम लोग दबा दो सब्सक्राइब के बटन को, भी दबा दबा के तोड़ डालो। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी दूसरे गेम के मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।